सर्वप्रथम किसी भी प्रकार का विकार मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। मनुष्य का हृदय पवित्र होता है, लेकिन अगर कोई विकार उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है या मस्तिष्क को वश में कर लेता है तो मनुष्य दोषी हो जाता है। उसकी आत्मा और देह दोनों दूषित हो जाते हैं। इसीलिए अगर मस्तिष्क को वश में रखना है तो किसी भी विकार को पहचान कर ही उसे प्रवेश देना है, क्योंकि अगर कोई गलत विकार मस्तिष्क में आ गया तो मनुष्य पुण्य कर्म की ओर से पाप कर्म की ओर बढ़ जाता है और उसे इस बात का भान तक नहीं होता।